हाय एवरीवन, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। 31 तारीख की रात लगभग 2 बजे के आसपास तेहरान ईरान में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, जिस ऑपरेशन में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हनिया को मार दिया जाता है। अब जैसे ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और जिस तरीके से इस ऑपरेशन को किया गया था, देखते ही सभी को ये मालूम पड़ जाता है कि इसके पीछे मोसाद का हाथ है। और जहां तक बात किया जाए इसराइल के बारे में, तो यूएसए इसराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट करता है, क्योंकि इस्माइल हनिया हमास के पॉलिटिकल चीफ थे और इस ऑपरेशन को तेहरान में अंजाम दिया गया था। तो इसीलिए एनालिस्ट है, उनका ये मानना है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट क्राइसिस और भी बढ़ेगा। अब दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि आखिर में एनालिस्ट किन पॉइंट्स को सामने रख के ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में क्राइसिस बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम। ईरान के जो हेड ऑफ स्टेट है, हम कह सकते हैं कि वो वहां के सुप्रीम लीडर हैं। ईरान में कोई भी चेंजेस होते हैं या कोई भी नया नियम बनता है तो बिना वहां के सुप्रीम लीडर के अप्रूवल का नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर ईरान इस असैसिनेशन का बदला नहीं लेगा तो ईरान एज एन कंट्री का ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक काफी कमजोर इमेज प्रेजेंट होगा, जो कि किसी भी तरीके से वहां के सुप्रीम लीडर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और साथ में अगर बात किया जाए तो ईरान विद इन कंट्री भी वहां के जो लोग हैं वो अपने सरकार से सवाल पूछेंगे और उनके नजरों में उनके जो सुप्रीम लीडर है उनका भी इमेज या उनका भी जो ऑरा है वो कुछ कमजोर सा दिखेगा। तो नॉर्मली कहीं पे भी कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी हेड ऑफ स्टेट ये नहीं चाहते हैं कि उनका इमेज एक कमजोर तरीके से प्रेजेंट हो। तो अगर आप बहुत ही सिंपल तरीके से भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस असैसिनेशन का बदला ईरान तो लेगा। अब किस तरीके से लेगा, कितना डेडली होगा, ये देखने वाली बात है। और जहां तक बात किया जाए हमास के बारे में, तो हमास एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सपोर्ट ना कि सिर्फ पैलेस्टीन में है बल्कि ईरान में है, इराक में है, सीरिया में है, लेबनान में है, तुर्की में है। तो इन सभी जगहों से इनको सपोर्ट मिलता है। तो किसी भी तरीके से हमास एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर ये अपने लीडर का असैसिनेशन का बदला नहीं लेंगे तो इनका भी जो इमेज है वो काफी कमजोर इमेज प्रेजेंट होगा। तो इन सब वजह से भी हमास हो गया, ईरान हो गया, ये बहुत हद तक एक कंपल्शन में है जहां पे इनको इसराइल के ऊपर अटैक करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये कहते हुए आए हैं कि आज के डेट में इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा उनको ईरान से है, वैसे ही ईरान भी इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अब जियोपॉलिटिक्स में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप एज एन कंट्री आप कितना पावरफुल हैं। और जहां तक बात किया जाए यूएसए का, तो अगर यूएसए किसी भी काम को करता है भले वो काम गलत भी हो तो अल्टीमेटली वो काम सही ही होता है। और जहां तक बात किया जाए इसराइल के बारे में, तो यूएसए का अनकंडीशनल सपोर्ट है। अगर अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं होता तो अब तक 40,000 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं गजा में और न जाने कितने सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। और जहां तक बात किया जाए अक्टूबर 7 के अटैक के बारे में, तो वो जिस तरीके से अटैक किया गया था वो अटैक गलत था, लेकिन ये जो पूरा इसराइल और पैलेस्टीन का मसला है ये सिर्फ 7 अक्टूबर से ही शुरू नहीं हुआ था बल्कि ये उस दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से पैलेस्टीन के जमीन पे इसराइल को बनाया गया था। और इसराइल एज एन कंट्री को डिक्लेयर करते ही यूएसए सबसे पहला देश था जो इसराइल को एज एन कंट्री का मान्यता देता है, और वो भी 11 मिनट या लगभग 12 मिनट के आसपास में दे देता है। तो यहां से भी हमें मालूम पड़ता है कि किस तरीके से यूएसए का सपोर्ट है इसराइल को। और उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ईरान किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहता है, और बकायदा ये यूएसए का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जहां पे यूएसए भी ये मानता है कि ईरान यूरेनियम को एडवांस लेवल तक एनरिच कर चुका है और ईरान के पास 3 न्यूक्लियर वेपन बनाने लायक यूरेनियम है। तो शायद ये भी हो सकता है कि ईरान अभी खामोश बैठा रहे, क्योंकि अगर वो किसी भी तरीके से एग्रेशन को दिखाता है तो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कहीं नुकसान ना पहुंच जाए। एक बार अगर किसी भी तरीके से ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो जो मिडिल ईस्ट का डायनेमिक्स है वो कंप्लीट तरीके से बदल जाएगा। ईरान और सऊदी अरेबिया में बिल्कुल भी नहीं बनता है, बहुत हद तक सऊदी अरेबिया और तुर्की में भी नहीं बनता है। तो अगर किसी भी तरीके से ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो सऊदी अरेबिया सबसे पहला देश होगा मिडिल ईस्ट में जो किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करेगा। और उसके बाद अगर बात किया जाए कतर के बारे में, सऊदी अरेबिया के बारे में, यूएई के बारे में, तो इन सभी देशों को एक चीज समझ में आ गया है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप किसी भी तरीके से यूएसए को नाराज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि आप यूएसए को नाराज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको इसराइल को साथ लेके चलना पड़ेगा। साथ में अगर बात किया जाए तो आखिर में इस्माइल हनिया तेहरान में क्या कर रहे थे, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि मई के महीने में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रायसी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो जाता है, जिसके कारण ईरान को एक नया प्रेसिडेंट चुनना होता है। तो इसी साल के 5 जुलाई को ईरान में चुनाव होता है और 6 जुलाई को रिजल्ट आता है, जिसके बाद ये तय हो जाता है कि ईरान के अगले प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन होंगे। तो इन्हीं का 30 तारीख को शपथ ग्रहण था, जहां पे अलग अलग देशों के लीडर्स वहां पे गए थे। भारत की तरफ से नितिन गडकरी जी भी वहां पे गए हुए थे। तो इसी प्रोग्राम में इस्माइल हनिया भी गए हुए थे, और जिस वक्त अटैक किया गया था या जिस रेजिडेंस पे अटैक किया गया था, वो रेजिडेंस इस्माइल हनिया का था तेहरान में। कहने का मतलब है कि हमास को ईरान सपोर्ट करता है, या इनफैक्ट हर उस ग्रुप को ईरान सपोर्ट करता है जो ग्रुप इसराइल के अगेंस्ट है। और इसी पूरे प्रोसेस में अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो कतर का एक बहुत ही बड़ा रोल है। कहने का मतलब है कि हमास के जो लीडर्स हैं उनका ऑलमोस्ट विजिटिंग होता है कतर, और वहीं पे बात किया जाए इसराइल के बारे में तो इसराइल के भी संबंध काफी अच्छे हैं कतर के साथ। तो जब 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पे अटैक किया था और लगभग 250 के आसपास हॉस्टेजेस को अपने साथ लेके गए थे, तो इस पूरे नेगोशिएशन प्रोसेस में कतर का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है, जहां पे कतर अपने आप को कंप्लीट तरीके से न्यूट्रल रखना चाहता है, और ये किसी भी तरीके से यूएसए या इसराइल और भी खास करके बात किया जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज को नाराज नहीं करना चाहता है और उनके साथ अपने आप को अलाइन करके बिजनेस करना चाहता है। तो अगर आप बहुत ही इन शॉर्ट समझना चाहें तो हर देश के पास अपने इंटरेस्ट हैं, और जो देश जितना मजबूत है वो उसी तरीके से परसेप्शन क्रिएट करता है। और अगर बात किया जाए अगर आपके सपोर्ट में कंप्लीट तरीके से अगर यूएसए आ जाता है तो फिर अगर आप कुछ गलत भी करते हैं तो वो सही हो जाता है। जहां तक बात किया जाए तुर्की के बारे में, ईरान के बारे में, सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान के बारे में, तो इन सभी देशों के बीच में एक टेंस एटमॉस्फेयर रहता है, क्योंकि ये सभी देश चाहते हैं कि ये अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडर की तरह प्रेजेंट करें। जिस तरीके से इस्माइल हनिया को तेहरान में मारा गया, इसको लेके ना कि सिर्फ तुर्की में बल्कि ऑलमोस्ट इराक में, ईरान में, ऑलमोस्ट उन सभी देशों में काफी बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिनके संबंध इसराइल के साथ अच्छे नहीं है। इसी में अगर बात किया जाए तो अलग अलग तरीके से तुर्की में भी प्रोटेस्ट किए गए, जहां पे अपने अपने तरीके से स्लोगन रेज किए गए और इसराइल को अक्यूज किया गया। वहीं पे अगर आप भारत की बात करें तो अब तक भारत की तरफ से ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके पीछे अपना भी एक वजह है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ईरान में भी है और हमारा इंटरेस्ट इसराइल के साथ में भी है। जहां तक बात किया जाए भारत का इंटरेस्ट ईरान में, तो वहां पे चाबहार पोर्ट को हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि चाबहार पोर्ट एक स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे सिचुएटेड है, और उसके बाद ईरान एक ऑयल रिच कंट्री है। तो अगर हम ईरान से ऑयल परचेस करेंगे या नेचुरल गैस परचेस करेंगे तो एक तो ईरान सस्ते कीमत पे हमें ऑयल और नेचुरल गैस देगा, क्योंकि उसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ ऑयल रिजर्व है, और साथ में डिस्टेंस भी कम रहेगा। और उसके बाद जब आप अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को अलग अलग देशों में डाइवर्सिफाई कर देंगे तो इससे जो रिस्क फैक्टर होता है वो भी कम हो जाएगा। और जहां तक बात किया जाए इसराइल के बारे में, तो बहुत हद तक जो हमारे संबंध है वो इसराइल के साथ अच्छे हैं। तो अगर आप इसको बहुत ही न्यूट्रल तरीके से अगर आप देखना चाहें तो हर देश के अपने इंटरेस्ट हैं। आपको रिस्पेक्ट तभी मिलेगा जब आप स्ट्रांग रहेंगे, आपको रिस्पेक्ट तभी मिलेगा जब आप कॉन्टिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे खर्च करते रहेंगे और सामने वाले देश को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देंगे। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगी तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।